हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फुल अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रियलमी नार्जो 20 का। देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट से इसका ऑर्डर किया था और ये फ़ोन डिलीवरी हो चुका है। तो देखिए आज फ़ोन हमारे पास आ चुका है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं और इसका लुक और डिज़ाइन कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक धैर्य बना के बने रहिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं जो नार्जो 20 का बॉक्स आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से मिल जाएगा और रियलमी नार्जो 20 का लोगो साइड में मिल जाएगा और मेन पे भी देख सकते हैं बड़े अक्षरों में नार्जो 20 का ऐसे लोगो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि फोन का लुक और डिजाइन कैसा मिलने वाला है। देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बैक साइड देख ले बॉक्स की, देख सकते हैं कि सारे हाईलाइटेड फीचर मेंशन कर दिए गए हैं। आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ में आपको 48 MP का ऑल ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है और मीडिया टेक का G85 का प्रोसेसर मिलने वाला है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है सी टाइप केबल के साथ। तो चलिए ओपन करते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, देख रहे हैं कि बॉक्स को ओपन करने के बाद देख रहे हैं कि एक रियलमी का सबसे पहले जो ऊपर देखने को मिल जाएगा रियलमी का एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल मिल जाएगा जो सारे फ़ोन में रियलमी अपने सारे फ़ोन में देता है। इसमें आपको जो भी गारंटी या वारंटी कार्ड होते हैं सारे के बारे में समझाया गया होता है और फ़ोन के सारे अबाउट के बारे में लिखा गया होता है। देख रहे हैं एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल मिल जाएगा इसमें आपको। हाँ, इस फ़ोन में आपको बैक कवर नहीं मिलने वाला है। रियलमी जो है अपने नार्जो सीरीज में 10 भी आया था तो उसमें बैक कवर नहीं दिया था और इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसी में आपको सिम जैक टूल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब फोन को निकालते हैं और देख लेते हैं फोन का लुक और डिजाइन कैसा होने वाला है। तो देख रहे हैं हमारे पास जो कलर वेरिएंट है ब्लू विक्ट्री है, देख सकते हैं विक्ट्री ब्लू कलर वेरिएंट है जो बहुत ही अच्छा कलर आपके लिए होने वाला है और आपको विक्ट्री सिल्वर भी मिल जाएगा। दो कलर वेरिएंट में फोन लॉन्च हुआ था। तो चलिए अब फोन को हटाते हैं, ओपन करते हैं, देख रहे हैं कि आपका जो लुक और डिजाइन बैक से देखने को मिल रहा है वी वाला ब्लू विक्ट्री, यानी इसीलिए विक्ट्री इसका नाम रखा गया है, यानी वी वाला डिजाइन आपको शेप देखने को मिल जाएगा। और आपको बैक साइड में भी क्वाड कैमरा सेटअप देख रहे हैं आपको देखने को मिल जाएगा, रियर ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा और कलर है जो बहुत ही अच्छा है और इस पर आपको स्क्रेच भी दिया गया है पीछे जो आपको पकड़ने में बहुत ही सूटेबल होने वाला है। देख सकते हैं बहुत ही सूटेबल आपको होने वाला है और नार्जो यहाँ पे लिखा गया है फ़ोन का थोड़ा वजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ़ोन 2 ग्राम से अधिक वेट का हो है, इसलिए इसमें बैटरी भी थोड़ा बड़ी है इसलिए इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है फ़ोन का। इसके बाद देख सकते हैं कि आपको कैमरा सेटअप इस प्रकार से दिया गया है, 48 MP 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा दिया गया है और आपको क्वाड फ्लैश लाइट भी दिया गया है यानी बुको लेंस भी दिया गया है आपको इस कैमरा में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको आगे फ्रंट में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देख रहे हैं कि मैं फ़ोन को आपको दिखा दे साइड से, थोड़ा साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं जो फ़ोन का डिस्प्ले होने वाला है आपका फ्रंट भी होने वाला है इस प्रकार से होने वाला है और फ़ोन बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है। और चलिए मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सेटिंग वेटिंग के बारे में, इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसके साइड में। देख रहे हैं साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा, यहीं पे वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाएगा, फिर आपको नीचे देखने को सी टाइप केबल मिल जाएगा, साइड में आपको स्पीकर मिल जाएगा और इसके बाद आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा और आपको माइक भी नीचे ही देखने को मिल जाएगा, यानी फ़ोन के इस साइड में आपको सिम जैक जो टूल होता है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो फ़ोन का ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, आपको पूरा खाली देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। और आपको देख सकते हैं कि 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसके बाद बात की जाए इस फ़ोन की लुक और डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा होने वाली है। इसके बाद बात की जाए फ़ोन के चार्जर की, देख सकते हैं कि इस चार्जर आपको दिया गया जो बॉक्स में 18 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है जो अच्छा खासा आपको देख सकते हैं। रियलमी का जो पीला साइड दिया जाता है आपको सी टाइप केबल के लिए वैसे ही दिया गया है। आप एक बात है इस चार्जर में खास कि ये मेड इन इंडिया है। इससे पहले जो भी अभी रियलमी 7 का मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसमें आपको जो चार्जर देखने को मिला था मेड इन चाइना मिला था, लेकिन इस पे आपको मेड इन इंडिया दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया का चार्जर भी दिया है साथ में। और देख सकते हैं इसके साथ आपको वजन इसका अच्छा खासा है, फिर आप देख सकते हैं इसके साथ आपको सी टाइप केबल भी मिलता है जो आपको फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। तो इस फ़ोन के साथ आपको देखते हैं कि अब
आगे देखते हैं कि इस फोन को कितना घंटा चार्ज में लगता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी दी गई है बहुत ही लंबी बैटरी दी गई है, 6000 mAh की 18W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। तो चलिए ये बैटरी भी ड्राइंग टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। यदि आप ड्राइंग टेस्ट चाहते हैं बैटरी का तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ड्राइंग टेस्ट आप देखना चाहते हैं कि नहीं। इसके बाद देख सकते हैं कि सेटिंग में दिखा दे मैं आपको, सेटिंग में मेन सेटिंग में चल के आपको दिखा दे अबाउट फोन का पोर्शन। थोड़ा देख सकते हैं फोन जो है बहुत ही अच्छा है, जो टच सैंपलिंग है बहुत ही अच्छा स्मूथली कार्य कर रहा है, स्लो भी टच पे क्लिक करने पे भी काम कर रहा है, देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको अबाउट फोन का पोर्शन थोड़ा दिखा दूँ। देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइस नेम दिया है रियलमी नार्जो 20 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम को कर दिया, जो UI दी गई है V.1.0 दी गई है, अभी अपडेट होकर V.2 होने वाली है, UI चेंज होने वाली है। आपको रैम मेंशन कर दिया गया और एंड्रॉयड जो है 10 दिया गया है, देख सकते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।